ये कुछ अंसरों की हमेशा से ये कोशिश रही है जो हाल के दिनों में बढ़ गई है कि पंजाब में अस्थिरता हो, इंस्टेबिलिटी हो, पीस और हारमनी को डिस्टर्ब किया जाए, ये हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू एयर किया गया था वो पंजाब की भटिंडा जेल या किसी और जेल से में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और एक सोची समझी साजिश है। पंजाब को, पंजाब पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, हमारे यहाँ हारमनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी जा रही है। जो इस इंटरव्यू का जो क्वालिटी काफ़ी काफ़ी स्टूडियो लेवल की क्वालिटी है, जो जहाँ पे कम्युनिकेशन डेड जोन में इस प्रकार की रिकॉर्डिंग करना असंभव है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू एयर किया गया था वो पंजाब की भटिंडा जेल या किसी और जेल से में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जो हमारी फाइंडिंग है अब तक की, इसे राजस्थान पुलिस ने 8 मार्च को भटिंडा जेल में अपना रिमांड खत्म होने के बाद जमा कराया। इसको तलवंडी साबो कोर्ट में 9 मार्च को पेश किया गया। एक दिन के रिमांड के बाद ये 10 मार्च को दोबारा भटिंडा जेल में वापस पहुंच गया और 14 मार्च को इंटरव्यू इसका एयर हुआ है। ये भटिंडा जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में लॉज है। मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो भटिंडा जेल का जेल में हमने एक टेक्निकल सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया है पंजाब सरकार ने भारत सरकार की मदद से, उनकी टेक्निकल हेल्प से, तो जिससे वहाँ पर मोबाइल टेलीफोन्स या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करते हैं। इनफैक्ट दूसरी जेलों से जो हार्ड एंड क्रिमिनल्स हैं उन्हें भटिंडा भेजा जाता है क्योंकि भटिंडा जेल बाकी जेलों के कंपैरिजन में ज़्यादा सिक्योर है। उसमें हाई सिक्योरिटी जोन में आइसोलेटेड सेल में, जिसका मतलब है कि एक सेल में सिर्फ एक मुलजिम होता है, इसे लॉन्च किया गया है और वहाँ पे जैमर्स के कवर में ये राउंड द क्लॉक ये हाई सिक्योरिटी जोन है। जेल का स्टाफ दिन में 3 बार 4 बार चेक करते हैं कि मोबाइल सिग्नल तो वहाँ पर नहीं आ रहे हैं, और कोई मोबाइल सिग्नल उस जोन में नहीं आते हैं। 24 घंटे हाई सिक्योरिटी जोन की सीसीटीवी सर्विलेंस होती है। वहाँ पे डबल गार्ड है, इनर गार्ड सीआरपीएफ की है और आउटर गार्ड जेल्स डिपार्टमेंट की है। जो जेल सुपरिंटेंडेंट है वो मिस्टर नेगी बीएसएफ से डेपुटेशन पे पंजाब जेल्स डिपार्टमेंट में आए हैं। आज तक कभी भी जो हमारी संयुक्त सर्चेज होती हैं पंजाब पुलिस और जेल डिपार्टमेंट की सांझी सर्चेज होती हैं, उनमें कभी भी इस हाई सिक्योरिटी जोन में मोबाइल फ़ोन रिकवर आज तक नहीं हुआ है भटिंडा जेल के इतिहास में। हाई सिक्योरिटी जोन में जो लाइट्स हैं वो सन डाउन पे ऑफ नहीं होती हैं, उन्हें सिर्फ डिम किया जाता है ताकि इनमेट्स पे नज़र रखी जा सके कि वो क्या कर रहे हैं। जब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की दाढ़ी मूछें लंबी हैं, बड़ी हैं, और ये जो रिसेंट फोटोग्राफ्स हैं पेशी की, इसमें इसके बाल छोटे हैं। ये जो येलो टी शर्ट है ये भी जब इसकी बिलोंगिंग्स चेक करी गई तो ये जेल में नहीं, येलो कोई टी शर्ट नहीं पाई गई और दूसरा अटायर इसने पहना था। जो इस इंटरव्यू का जो क्वालिटी काफ़ी स्टूडियो लेवल की क्वालिटी है, जो जहाँ पे कम्युनिकेशन डेड जोन में इस प्रकार की रिकॉर्डिंग करना असंभव है। इंटरव्यू में कोई जो रिसेंट जो दूसरा क्रिमिनल है जग्गू भगवानपुरिये से जो इसकी टसलबाजी चल रही है, या गोविंदवाल साहब जेल में इंसिडेंट हुआ है, कोई रीसेंट इवेंट्स का कोई जिक्र नहीं है, जिससे यह लगता है कि शायद ये इंटरव्यू पुराना है। इंटरव्यू में किसी दूसरी 30 मिनट 20 सेकंड के बाद किसी दूसरी जेल का भी जिक्र है। और ये मैं सबको बताना चाहूँगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने सुप्रीम कोर्ट तक ये फाइट करी कि उसे पंजाब पुलिस ना लेके जाए पंजाब की जेल में, और एक लंबी लीगल लड़ाई के बाद इसे हम, जब वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ सिद्धू मूसेवाला उनका मर्डर हुआ था, उसके बाद हमारी AGTF ने गैंगस्टर्स के खिलाफ कंसर्टेड एफर्ट्स करके काफ़ी गैंगस्टर्स अरेस्ट किए थे, उस दौरान इसको पंजाब की जेलों में लेके आया गया था। जितने भी इसके पंजाब के क्राइम्स थे उन केसों में पुलिस रिमांड लेके इन्वेस्टिगेशन करके चलान पेश किए गए थे। इस शख्स ने अपना तकरीबन पूरा क्रिमिनल कैरियर पंजाब की बाहर की जेलों से, पंजाब में क्राइम्स प्लॉट करके उसने अपना कैरियर 7-8 साल का ये इसने व्यतीत किया है, और इसे पंजाब में ले आके हमने इसे निष्क्रिय और इनएक्टिव कर दिया है। ये कुछ अंसरों की हमेशा से ये कोशिश रही है जो हाल के दिनों में बढ़ गई है
कि पंजाब में अस्थिरता हो, इंस्टेबिलिटी हो, पीस और हारमोनी को डिस्टर्ब किया जाए, यह हम हरगिज नहीं होने देंगे। मैं सबके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि G20 के इवेंट्स अमृतसर में पीसफुली चल रहे हैं और कोई कोई किसी किस्म का डिस्टर्बेंस नहीं है। कल का इंसिडेंट है कि एक प्रोमिनेंट टीवी न्यूज चैनल ने ये खबर लगा दी थी गलत की, भटिंडे में जो है रेलवे ट्रैक्स डैमेज हो गई हैं। वो हमने उन्हें रिबट किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फैक्ट चेक जरूर करें, र्यूमर्स पे ध्यान ना दें, न्यूज़ को वेरीफाई कर लें और उसके बाद ही लगें।